बीते दिनों भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के मस्तिष्क में खून का थक्का जम जाने की वजह से उन्हें दिल्ली के धौलाकुआं स्थित आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तब से ही उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट कर पूर्व राष्ट्रपति के निधन की झूठी खबर फैला दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर राजदीप सरदेसाई को जमकर ट्रोल किया गया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अलविदा प्रणबदा, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे, जिसके बाद लोगों ने उनके ट्वीट को रीट्वीट करना शुरू कर दिया और यहां तक कि लोग प्रणब दा को श्रद्धांजलि तक देने लगे। लेकिन इसी बीच प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी और बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट कर अपने पिता के जीवित होने की बात बताई, लेकिन हालत को भी गंभीर बताया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और लोगों ने राजदीप सरदेसाई की जमकर निंदा की। इतना ही नहीं, प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत ने तो भारतीय मीडिया को फर्जी खबरों की फैक्ट्री तक बता डाला, तो वहीं लोगों ने राजदीप सरदेसाई को नैतिकता की सीख लेने को कहा। ऐसे में दिन भर सोशल मीडिया पर राजदीप सरदेसाई को यूजर्स ट्रोल करते रहे। हालांकि बाद में राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट कर माफी मांगी और कहा कि मुझे इतनी बड़ी खबर के बारे में पहले जांच कर लेनी चाहिए थी, अर्थात मैं इस खबर के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। नमस्कार। हमारे साथ देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति है, नहीं नरेंद्र मोदी जी नहीं है हमारे साथ, हमारे साथ है मुकेश अंबानी जी। जब मैंने कहा कि सबसे पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, किस तरह से आप देखते हैं, आप मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। अरे ये क्या।